करूंगा। और एक चीज आप ये देखें कि ये पबजी गेम का बहाना बनाती है, हम वो बात कर रहे थे तो वो वो बैन तो हो 2020 से लेकर 2023 तक बैन रही, तो ये जी। कितनी क्लेवर है कि ये अल्टरनेट तरीके से पबजी गेम खेलती थी। उसके लिए आपको अच्छा इंटरनेट चाहिए, आप कोई भी बिल्कुल सर। वेबसाइट जो ब्लॉक होती है उसको अनब्लॉक करने के लिए आपको अच्छा इंटरनेट चाहिए होता है, बिल्कुल ठीक ऐसे, है। बिल्कुल ऐसे। अगर किसी यूट्यूब में आपका किसी मुल्क में यूट्यूब बैन है, मुझे इस तरह से पता है क्योंकि जब पाकिस्तान में ये ब्लास्फेमी के मामला चले थे तो उस वक्त कुछ कंटेंट आ गया था यूट्यूब पे, ठीक है, हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड, तो उस वक्त यूट्यूब पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था कुछ बिल्कुल अरसे ऐसे, के लिए, बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल उसको ऐसे। उसको कुछ लोग अनब्लॉक प्रॉक्सी के जरिए या इस तरीके से करते थे, तो वो काफी ज्यादा इंटरनेट से चलने वाली, हैवी इंटरनेट से चलने वाली वेबसाइट होती थी जिसपे वो कोई मोबाइल नेटवर्क से आप नहीं यूज कर सकते। उसके लिए आपके पास जो वाईफाई इंटरनेट का होना जरूरी है, अच्छा इंटरनेट होना जरूरी है, और उसके बाद आपको वो तरीका आना चाहिए उसको अनलॉक करने का या उसको बाईपास करके खोलने का। तो बिल्कुल ये क्या इतनी एक्सपर्ट थी कि अगर पबजी गेम वहां पे बैन थी तो ये उसको बाईपास करके यूज कर लेती थी और ये सारा कर लेती थी, और जी। इसकी क्या अर्जेंसी थी? थोड़ी कोई ना प्यास कोई भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी इसी बीच में, फिर मैं भूल जाती हूँ। एक्चुअल में मैं जी दूसरे जी भी कामों में गो लगी हुई होती हूँ। अहेड। सीमा ने फर्स्टली जब ये यहाँ पर आई थी तो इसने ये कहा था यहाँ पर आने के बाद में कि आप यहाँ से किस बॉर्डर से आई, वहां पर क्या लिखा हुआ था। तो इसने कहा कि मुझे नहीं पता, और मैं पढ़ी लिखी नहीं हुई थी, और मैं 5वीं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट किसी अनदर चैनल पे इसका इंटरव्यू हो रहा था, तो इसने कहा कि आपने ये सब चीजें कैसे पढ़ ली, आपने टिकट्स कैसे बनवाए, आपने वीजा के लिए वैसे अप्लाई किया। तो उसने कहा 5वीं पास पढ़ा, थोड़ा इतना भी कम नहीं होता सर, 5वीं पास बहुत होता है पढ़ा हुआ। तो इसकी हर बात में एक्सेप्शन है, कभी कहती है कि 5वीं पढ़ा हुआ बहुत कम है, 5वीं पढ़ा हुआ इतना भी कम नहीं होता। तो अपने आप में हर चीज इसकी एक्सेप्शन है। और दूसरी, मैं एक जिनके पास की अपनी मैरिज रजिस्टर आने गई थी बुलंदशहर में, वो एडवोकेट थे, यूपी में थे। इसने अपना वहां जाकर अपना, इसने जो आपके यहाँ जिसे शिनाख्ती कार्ड बोलते जी बिल्कुल, आईडी कार्ड होता है हमारे पास जी। मैं इस कंट्री से बिलोंग करती हूँ, इस रिलीजन से, हाँ। तो उन्होंने इमीडिएट तभी पुलिस को इस बात की सूचना दी, उन्होंने तभी पुलिस को बुलाया कि इस तरह से एक महिला है, और तभी इसे अरेस्ट किया गया। तो ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान में सभी किसी की वाह वाह कर रहे हैं। वो कहती है कि 100% लोग मेरे साथ हैं। अगर 100% लोग आपके साथ हैं तो जिस वकील को आप अच्छी खासी फीस दे रहे थे अपनी शादी रजिस्टर्ड कराने के लिए फेक आधार कार्ड देकर, तो वो तो आपकी शादी बहुत ही रजिस्टर्ड करा दिया होता, वो तो आप जेल ही ना जाती 5 दिन के लिए, जो आप जेल गई। हाँ जी। आई सी, थैंक यू, दोज आर ग्रेट पॉइंट्स।